बबर एक जट की बहन का घर ना खराब करें। बड़ा गर्मजोशी वाला खून है मेरा इस मामले में। ये ना हो कि दो चार कत्ल हो जाए मेरे हाथ से। आप मुझे थ्रेट कर रहे हैं? थ्रेट नहीं है ये नीना जी, मैं सिर्फ अपनी बहन को आपके जैसी होम रैकर से बचाना चाह रहा हूँ बस। कंट्रोल बबली कंट्रोल। देखिए नीना जी, आपको इनकी हिस्ट्री का नहीं पता? हाँ नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर बीए के फर्स्ट सेमेस्टर में 60 किलोग्राम्स वाला हीरो आपसे एंडलेस प्यार करता है, राइट? राइट। अब वो 60 किलोग्राम्स का नहीं रहा, ही इज नाउ माशाल्लाह 90 किलोग्राम्स। उसका दिल सिर्फ हीर के लिए धड़कता है। आंधी आई, तूफान आए, लेकिन वो जुदा ना हो सके। इलेक्शंस आए, गोलियां चली, लेकिन ये दो ब्लीडिंग सोल्स एक स्ट्रॉन्ग वाईफाई कनेक्शन की तरह साथ जुड़े रहे। यहां तक कि हमारे बापों ने भी बड़े फड्डे किए, और सच कहूं तो ये जैन साहब ने भी बड़ी रंगबाजियां लगाई। सही कह, क्या हो गया यार, कितनी दफा माफिया मांगू, जाने भी दे। इट्स ओके। देखिए नीना जी, बात यह है कि उनका प्यार एक मैग्नेट की तरह है, तो आप क्यों कबाब में हड्डी बनी हुई है? क्या आपको हीरो की तड़प नजर नहीं है? आई, क्या आपको मेरी बहन का दिल चकनाचूर होते दिखाई नहीं दिया? दिखाई दिया, पर तो फिर किस दिए के बुझने का वेट कर रही हैं आप? इससे पहले हीर द हीरो की जोड़ी टूट जाए, लेट्स गो प्लीज। अप्पू जी अंकल, जंजालपुरा की न्यू काउंसलर होने के नाते मैं नहीं चाहती हम दोनों का रिश्ता टूटने की वजह से मोहल्ले का अमन अमान खराब। इसलिए मैंने डिसाइड कर लिया है बामी रजामंदी से और म्यूचुअली मैं इस रिश्ते को तोड़ देना चाहती हूँ। और मेरा पुत्र, मलूचली रिश्ते जो हैं वो जोड़े जाते हैं, तोड़े थोड़े ही जाते हैं। अहीर पुत्र, बट साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। पुत्र मेरी तो समझ नहीं आ रहा कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। वो फसादियों की बातों में आके ना मेरा पुत्र एक दूसरे से अपना दिल खटाना कर। हाँ? नहीं चाचा, आप तो बचपन से जानते हैं, काउंसलर बनने से पहले की आदत है इनकी, हर बात के लिए पौने 5,000 दलीलें दे, दो ट्रस्ट आता है, कोई जरूरत नहीं, आम बात तो फर्क नहीं डालती है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने भी दलील देने में अपनी ताकत जाया नहीं करनी है। जब मेरे किरदार पे शक किया है तो जरूरत क्या है समझाने की, जो दिल करता कर ले, जिसका जो 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 करतूतों की नुमाइश और नजारे में बाहर देख के आई हूं ना, मेरी जगह कोई भी होता ट्रस्ट करता तो कम से कम ये पूछता तो सही ना कि बात क्या हुई है। ये जो लड़की, तू अच्छे भी आ गई है, और ये कहां की सवाड़ियां हैं भाई? अंकल ये नीना है। हैं? वो ये नीना है? वो मुझे एक जरूरी बात करनी थी। हैं? की? अगर आप दोनों को इस वक्त प्राइवेसी चाहिए तो हम सब बाहर चले जाएं। नहीं 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 चाहिए प्राइवेसी, किसी ने मांगी आपसे प्राइवेसी? बड़ी मेहरबानी आपकी, और तुम नहीं ना, खुदा का वास्ता है। अब जो बोलना सबके सामने सच बोल दो यार। मैं दरअसल हीर की गलत फहमी दूर करने आई। कल रास्ते में ऐसे अचानक टकरा गए थे हम। हाँ। और आज भी मैं हीरो से खुद मिलने आई थी। उसने मुझे नहीं बुलाया था। और हीर जी, हर बात में सिर्फ आपका ही जिक्र किया जा रहा था। जी पता नहीं मुझे क्या हो गया था, सेल्फिश हो गई थी मैं। हीर मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे समझ आ गई है कि हीरो सिर्फ हीर दा है। शादी मुबारक, चलती हूँ, खुदा हाफिज़। नीना,